7 मार्च 1997 को लाहौर में पैदा होने वाली किंजा हाशमी को कौन जानता था कि इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी अदाकारा बन जाएंगी कि वाकई अपनी बर्थडे को इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगी कि लोग ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कई करोड़ कमाते हैं और फिर जाकर इतनी छोटी सी एज में इतनी ग्लैमरस बर्थडे करते हैं। जहाँ पर बहुत सारे शोबिज सितारों, बहुत सारे लोग पर्सनैलिटी, बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी को देखा गया, वहीं पर किंजा हाशमी के बारे में बताते चले तो किंजा हाशमी अब तक 25 ड्रामों में काम कर चुकी हैं और अगर नेटवर्क की बात की जाए तो 5 मिलियन कमा चुकी है। और फिर यहाँ पर अगर वो इस तरह की अपनी बर्थडे ना करें तो वाकई इनका एक ही शौक है, वो है पार्टीज करना, और फिर वो पार्टी भी हो तो वो इनकी बर्थडे की पार्टी हो। बताते चलें किंजा हाशमी के बारे में, तो किंजा हाशमी 25 साल की हो चुकी है और अब 26वें साल में लगेंगी। खैर ग्लैमरस की बात की जाए तो किंजा हाशमी को सबसे ज्यादा जो जाना गया, जो इनका नाम इंडस्ट्री में पहचाना गया, वो इश्क तमाशा में इनका नेगेटिव रोल रोशना था। वहीं से इन्होंने इतनी सारी बुलंदियां, इतनी सारी फेम हासिल की क्योंकि सारे शोबे सितारों के पास एक ऐसा करेक्टर आता है जिससे वो पूरी इंडस्ट्री में अपना नाम मनवा सकते हैं, अपना लोहा, अपना सिक्का मनवा सकते हैं, और वो रोशना का करेक्टर था इनका इश्क तमाशा में। खैर इस टाइम पर 25 ड्रामों में और फिर 2 टेलीफिल्म्स में और फिर 1 मूवी में काम करने वाली किंजा हाशमी अपनी और बहुत सारी ऊंचाइयों में, अपनी बहुत सारी जिंदगी की और करियर की ऊंचाइयों में जा रही है। व्यूअर्स, आपको इनकी बहुत ही खूबसूरत सी बर्थडे बैश, आपको बहुत ही खूबसूरत से इनका बर्थडे पार्टी जहाँ पर बहुत सारे के सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देख, जहाँ पर सारे के सारे लॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को देखा गया, शोबिज सितारों, अदाकारों को देखा गया, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।